हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के वीडियो लेक्चर में हम HUF की टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए HUF की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। एक स्टेटमेंट तो हम बनाएंगे टोटल इनकम कैलकुलेट करने का, और दूसरा स्टेटमेंट हम बनाएंगे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अभी हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर है 2020-21 है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम देखो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। जो भी HUF की टोटल इनकम होगी, जो हमने कैलकुलेट की होगी, वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी टोटल इनकम हम यहाँ पे शो करेंगे। फिर देखिए जो इनकम होती है उसमें दो तरह की इनकम होती है, एक तो स्पेशल रेटेड इनकम होती है जिसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, और दूसरी नॉर्मल रेट वाली इनकम होती है। ठीक है, जिस पे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। तो जो स्पेशल रेटेड इनकम होती है ना, उनको हमें अलग से लिखना है और उसके ऊपर अलग से टैक्स लगाना है। ठीक है, अब देखो वो इनकम कौन कौन सी होती है। जैसे सबसे पहले इनकम एंड LTCG, LTCG का मतलब होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो इनकम एंड LTCG फ्रॉम GDR, GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट से कोई इनकम या LTCG हुआ है तो उसके ऊपर 10% की रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इस टोटल इनकम में से उसे अलग करना है और उस पर 10% की रेट से टैक्स लगाना है। फिर सेकेंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉट इंडेक्स, जो कि इंडेक्स नहीं किया गया हो। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो हम इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं ना, तो इसकी कॉस्ट को इंडेक्स नहीं किया गया हो तो उसके ऊपर 10%, और अदर LTCG जो रहेंगे, दूसरे कोई भी LTCG, उस पर 20%। ठीक है, फिर बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर। देखो इक्विटी शेयर से कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, उसको हम अंडर सेक्शन 111A वाला भी कह सकते हैं। ठीक है, जो अंडर सेक्शन 111A के अंदर आता है उसके ऊपर 15% की रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जो भी लॉटरी की, जुए की, जहाँ से भी कोई भी कैजुअल इनकम हो रही है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक आय, तो कोई आकस्मिक आय हो रही है तो उसके ऊपर हम 30% की रेट से टैक्स लगाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो देखिए किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है और वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडियन कंपनी से या डोमेस्टिक कंपनी से हमें कोई डिविडेंड रिसीव होता है तो वो 10 लाख रुपीस तक क्या होता है, एग्जम्प्टेड होता है। ठीक है, तो इंडियन कंपनी से हमें कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वो भी 10 लाख रुपीस तक क्या है, एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो जो भी 10 लाख से ज़्यादा रहेगा, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रहेगा, उसके ऊपर कितने परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा, 10%। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रॉयल्टी ऑफ पेटेंट। अगर पेटेंट की रॉयल्टी से इनकम हो रही है तो उसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा, 10%। ठीक है, पेटेंट की रॉयल्टी से इनकम हो रही है तो 10%। फिर बात करते हैं इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो देखिए कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफ़र करने से कोई इनकम हो रही है तो उसके ऊपर 10%। ठीक है, तो ये सारे इनकम एक साथ एक ही किसी क्वेश्चन में नहीं होगी, इनमें से कोई एक दो इनकम ही हमारे क्वेश्चन में होगी। मैंने वो सारी स्पेशल रेटेड इनकम एक साथ में स्टेटमेंट में बता दी आपको। ठीक है, तो ये सारी स्पेशल रेटेड इनकम है। इसके बाद स्पेशल रेटेड इनकम को उसके ऊपर टैक्स लगाने के बाद हम उसको अलग कर देंगे, तो पीछे जो भी इनकम बचेगी उसके ऊपर हमें स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाना होता है। ठीक है, तो स्पेशल रेटेड इनकम पे तो हमने टैक्स लगा दिया, अब पीछे जो हमारी टोटल इनकम में से जो भी इनकम रिमेनिंग बचेगी, ठीक है, रिमेनिंग इनकम का मतलब यह है कि टोटल इनकम में से स्पेशल रेटेड इनकम को हटाने के बाद पीछे जो भी इनकम बचेगी उसके ऊपर नॉर्मल रेट, नॉर्मल स्लैब, जो HUF के लिए कौन सी है अभी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, वो है फर्स्ट अप टू 2,50,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, और जो बैलेंस इनकम है उस पर 30%। तो ये स्लैब चलता है HUF के लिए। ठीक है, HUF के लिए सिर्फ एक ही टाइप का स्लैब है, जबकि इंडिविजुअल के लिए 3 टाइप के स्लैब्स दे रखे हैं। ठीक है, 60 से कम एज वालों के लिए, 60-80 वालों के एज के लिए, और 80 से अबव एज वालों के लिए, जबकि HUF के लिए सिर्फ एक ही टाइप का स्लैब दे रखा है।
तो इसके हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और स्पेशल रेटेड इनकम का टैक्स और ये वाला टैक्स ऐड करके हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स निकाल देंगे, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, फिर हम ऐड करेंगे सरचार्ज। अगर किसी HOF की इनकम कितने से ज़्यादा हो, सबसे पहले हम बात करते, देखिए सरचार्ज की कितने रेट दे रखी है, चार रेटें दे रखी है, एक तो 10% है, एक 15% है, एक 25% है और एक 37% है, ठीक है। तो ये चार रेटें दे रखी है सरचार्ज की। तो देखिए सरचार्ज की चार रेटें क्यों दे रखी है, क्योंकि देखिए अगर इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम हो तो सरचार्ज की रेट कितनी रहेगी, 10%, ठीक है। तो देखिए पहले तो क्या होता था कि सरचार्ज के लिए सिर्फ 1 करोड़ से अबव इनकम होती थी ना तो ही 10% या 12% सरचार्ज लगता था, लेकिन अब क्या कर दिया इस असेसमेंट ईयर से, चार रेटें कर दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो देखिए अगर किसी HOF की इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम होती है तो 10%, और अगर HOF की इनकम 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा होती है लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम होती है तो उसके ऊपर रेट क्या रहेगी, 15%। और अगर HOF की इनकम 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम हो तो HOF की जो सरचार्ज की रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 25%, ठीक है। और अगर इनकम 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो तो सरचार्ज की जो रेट है वो 37% रहेगी, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेबल होती है सरचार्ज, अगर HOF की इनकम 50 लाख से कम हो तब तो सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा हो तो इसमें से जो भी रेट एप्लीकेबल होगी सरचार्ज की वो हम लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद उसको ना अमाउंट ऑफ टैक्स के साथ में ऐड करके यहाँ टोटल में ले आएंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, मार्जिनल रिलीफ, ठीक है, फिर मिलेगी उनको मार्जिनल रिलीफ। तो देखिए मार्जिनल रिलीफ किसको मिलती है, मार्जिनल रिलीफ उनको मिलती है जिनके ऊपर क्या लगता है, सरचार्ज लगता है, क्योंकि सरचार्ज लगने की वजह से उनका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और देखिए कई बार तो क्या होता है कि किसी किसी की इनकम 1 करोड़ से या 50 लाख से थोड़ी ही ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी उनके ऊपर सरचार्ज लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर उनका टैक्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है टैक्स लायबिलिटी। तो उनको एक रिलीफ दी जाती है जिसे हम मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, ठीक है। और वो किसी किसी को ही मिलती है, क्योंकि किसी की इनकम देखिए बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 1 करोड़ रुपए से बहुत ज़्यादा है या 50 लाख से बहुत ज़्यादा है तो उनका तो सरचार्ज लगना लाजमी है, लेकिन किसी की तो बहुत ही कम, जैसे 50 लाख से सिर्फ 51 लाख हो गई थी तो 51 लाख की वजह से उसके ऊपर 10% सरचार्ज लग गया तो उसका तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया, उसका कर भार बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में उसको मार्जिनल रिलीफ मिल सकती है। तो देखिए मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कैसे होती है ये तो हम देखेंगे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल तभी हम इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने अभी आपको बता दिया कि किसको मिलती है, ये सरचार्ज लगने वालों के लिए मिलती है, और वो तब लगती है जब उनकी इनकम सरचार्ज लगने की जो लिमिट है उससे बस थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उनका जो टैक्स भार है वो टैक्स लायबिलिटी वो बढ़ जाता है तो उनको एक रिलीफ दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये अगर मिलती है तो हम माइनस कर देंगे और नहीं मिलती है तो फिर आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। फिर हमें लगाना है हेल्थ एंड एजुकेशन शेष, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन शेष कितना है, अभी जो हमारा असेसमेंट ईयर है 2021 उसके लिए है 4%, ठीक है, तो वो हम लगा देंगे। फिर आपके पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो अब आपके पास निकल जाएगी, लेकिन अभी भी आगे और प्रोसीजर होगा टैक्स पेबल और रिफंडेबल निकालने के लिए। फिर देखिए अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद उसमें से हमें लेस करना है, फर्स्ट अगर कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब किसी इनकम के ऊपर TDS पहले से ही कट चुका है तो उसे हमें लेस करना है, ठीक है। और सेकेंड हमें लेस करना है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर किसी असेसी ने अपना टैक्स का एडवांस पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो वो भी हम माइनस करेंगे। इसके बाद में क्या आएगा, टैक्स पेबल और रिफंडेबल। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ माइनस में भी आ जाती है, तो अगर माइनस में आती है तो वो क्या हो जाती है, रिफंडेबल हो जाती है, ठीक है, और अगर ये प्लस में रहती है तो वो टैक्स पेबल आएगी, ठीक है। इसको हमें करना है राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ का मतलब ये है कि हमें उसे 10 के मल्टीप्लायर्स में लेना है, ठीक है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हम उसे लास्ट में राउंडेड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। देखो कई बार क्या होता है कि वैसे तो आपने ये सुना होगा कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो क्या होती है, एग्जम्प्टेड होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें
टोटल इनकम की कैलकुलेशन के लिए तो एग्रीकल्चर इनकम हम लेते ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एग्जम्प्टेड है। लेकिन टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन के टाइम हम एग्रीकल्चर इनकम को एक कंडीशन में ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और वो कंडीशन क्या होगी, देखिए कंडीशन ये होगी कि इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ HUF इज़ मोर देन 5000, अगर HUF के एग्रीकल्चर की इनकम 5000 रुपये से क्या हो, ज़्यादा हो, एंड इनकम टैक्सेबल इज़ मोर देन 2,50,000, और बाकी जो दूसरी टैक्सेबल इनकम है वो भी कितनी हो, 2,50,000 से ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में एग्रीकल्चर इनकम का एग्रीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। अब ये एग्रीग्रेशन सिर्फ टैक्स लायबिलिटी के लिए ही किया जाता है, वैसे तो हम एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम की कैलकुलेशन के लिए नहीं लेते हैं, अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की हो तो, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन आती है ना, उसमें हमें टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन में इसको लेना है, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा हो और HUF की जो दूसरी इनकम है वो 2,50,000 से ज़्यादा हो तो, ठीक है। और जब हम एग्रीग्रेशन करते हैं तो फिर देखो हम क्या करते हैं कि हम जो वो स्टेटमेंट बनाते हैं टैक्स लायबिलिटी का, उसमें सबसे पहले लिखते हैं ना टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, मतलब उसमें हमें एग्रीकल्चर इनकम को भी ऐड कर देना है, ठीक है, और पूरा टैक्स निकाल देना है, ठीक है। और पूरा टैक्स निकालने के बाद लेस करना है हमें टैक्स ऑन 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम, और उसमें से लेस करना है जो मिनिमम लिमिट है ना टैक्स की, उसके साथ में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकाल के उसको लेस करना है, ठीक है। तो आपके फिर आ जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्स, इसको भी हम प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन में करके सीखेंगे, एक बार के लिए तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट में बता दिया है, लेकिन इसको भी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।